हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं बनाने जा रही हूँ केले की पकौड़ियाँ। जो बनाना है उसकी पकौड़ियाँ मैं बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले उसके हम लोग तैयारियाँ कर लेते हैं। ये मैंने आज मैं गेहूँ के आटे से बनाने जा रही हूँ और बहुत ही क्रंची लगेगा ये खाने में। तो ये देखिए, मैंने इस कटोरी से 2 कटोरी इसमें गेहूँ का आटा डाला है और 1 कटोरी मैं इसमें सूजी डालूंगी। जो ये सिंपल रवा हम लोग यूज़ करते हैं वही वाला सूजी मैंने इसमें डाल दिया है। और मैं अब इसमें 1 स्पून टर्मरिक पाउडर यूज़ करूंगी फ्रेंड्स। और फिर मैं कोरिएंडर पाउडर भी 1 स्पून, आप देख सकते हैं पूरा भरा हुआ है, स्पून यूज़ करूंगी। और फिर मैं इसमें चिल्ली पाउडर 1 स्पून, आप अपने टेस्ट अनुसार चिल्ली पाउडर डाल सकते हैं फ्रेंड्स। मैंने 1 स्पून लिया है, मुझे तीखा पसंद है। और अब मैं इसमें सॉल्ट यूज़ करूँगी अपने टेस्ट अनुसार, आपका जितना घोल हो उस अनुसार आप इसमें सॉल्ट डाल सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि मैं इसमें डालूँगी हींग पाउडर, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए, मैंने ज़रा सा हींग पाउडर लिया है और इसे मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें 1 स्पून, लगभग 1 स्पून चाट मसाला मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, जिससे कि टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इसमें फ्रेंड्स अब मैं वाटर ऐड करूँगी। और इसे फ्रेंड्स बहुत अच्छे से मिक्स करना है, इसमें एक भी लंग्स नहीं रहने चाहिए। बहुत अच्छे से इसे आप मिक्स कीजिए फ्रेंड्स। और ये देखिए फ्रेंड्स, घोल एकदम रेडी हो गया है। और बिल्कुल ऐसे ही घोल को हमें रेडी करना है, क्योंकि मैंने इसमें रवा ऐड किया है, इसीलिए रवा थोड़ा सा फूलेगी। इसलिए इसे हम 5 मिनट्स या 10 मिनट्स के लिए इसे ढककर साइड में रख देंगे। फ्रेंड्स 5 मिनट्स हो गए हैं और आप देख सकते हैं रवा एकदम फूल चुकी है और ये जो घोल है एकदम बहुत बढ़िया हुआ है फ्रेंड्स। और इसमें लंग्स एक भी नहीं है, तो ये आप ध्यान रखें कि इसमें लंग्स एक भी ना हो। और ये बहुत ही हेल्दी है खाने के लिए। और ये देखिए, मैंने बनाना को ऐसे कटिंग करके रख लिया है, ऐसे ऐसे आप भी सारे बनाना को ऐसे कटिंग करके रख लेंगे फ्रेंड्स। और मैंने इसको धोकर और इसके वाटर को मैंने हटा दिया है और ये सूख चुका है बिल्कुल भी अच्छे से। तो अब इसकी हम पकौड़ियाँ तलेंगे। अब मैं इसमें बनाना को ऐसे डाल दूंगी और अपने हाथों की मदद से फ्रेंड्स, ये देखिए कितने अच्छे से बनाना पर हमारा मिक्सचर बहुत अच्छे से आ रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने एक पैन को गर्म कर लिया है और इसमें ऑयल डाल दिया है और ये बिल्कुल भी गर्म हो चुका है। इसलिए अब मैं इसमें बनाना को इसमें डालूंगी। देखिए ऐसे अपने हाथों की मदद से फ्रेंड्स इसे डालना है। पापा इसका म्यूजिक सुनिए। और फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने सारी पकौड़ियों को डाल दिया है इसमें और इसे तब तक नहीं पलटेंगे फ्रेंड्स जब तक ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और इसे एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। और ये देखिए कितने अच्छे से ये घूम रही है, तो इसे सारे साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे तलेंगे। और ये देखिए पकौड़ियाँ एकदम रेडी हैं। मैं इसे अब पलट दूंगी इस तरीके से, एक स्पैचुला की मदद से आप इसे बहुत अच्छे से पलट दें, इसे पलटने में कोई परेशानी नहीं होगी। और ये पकौड़ियाँ बहुत ही क्रंची बन रही है फ्रेंड्स, सो इसे आप ज़रूर ट्राई करें एक बार। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। और मैं इस दूसरे साइड से भी इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये पकौड़े बिल्कुल रेडी हैं। और इसे बिल्कुल मैं
स्ट्रेनर में इसे ऐसे रख लूँगी, जिससे कि इसके जो एक्स्ट्रा ऑयल हैं सब इसमें निकल जाएंगे। थोड़ी देर ऐसे ऐसे करके इसके एक्स्ट्रा ऑयल्स को हमें निकाल देना है। और ये देखिए सारे पकौड़ों को मैंने निकाल लिया है, और ये आप देख सकते हैं कितना क्रंची है। तोड़कर देखिए ये कितना क्रंची और कितना टेस्टी दिख रहा है। और मैं इसे अपने घर में जैसे सर्व करूँगी आपको दिखाती हूँ कैसे मैं इसे सर्व करूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे अपने घर में ग्रीन चटनी के साथ सर्व करूँगी, और मैंने इसे थोड़ी सी कोरिएंडर लीफ के साथ गार्निश किया है। ऐसे ही आप भी गार्निश करके इसे शाम में चाय के साथ पकौड़े दे सकते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये तो बहुत ही क्रंची बनी है, देख ही सकते हैं आप, ये देखने में कितनी क्रंची दिख रही है फ्रेंड्स। सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।